अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है पहले चैप्टर जो है पाक स्टडी का, उसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है आप देखेंगे बुक के ऊपर एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो एमसीक्यू में मैंने एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो लिख के, मैंने जो करेक्ट आंसर है सिर्फ वही उसके सामने मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये खुद उसके ऊपर तलाश करके इसको लिख लेना है। सबसे पहला है कि कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा, यानी कांग्रेसी वजारतों का दौर जो था वो कब तक रहा है। तो मैंने जो करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला लाल, 1937 से 39 तक, वो मैंने आगे लिख दिया है, आपने बुक के ऊपर मार्क कर देना है। दूसरा में लिखा हुआ है लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। खुतबा सदारत किसने दिया था? सेट बी वाला ऑप्शन होगा, ग्रे वाला, कायद अजम मोहम्मद अली जनाब ने, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड है एमएओ स्कूल और कॉलेज कायम किया। एमएओ स्कूल किसने कॉलेज ये किसने कायम किया था? उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खान ने, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यू है 1867 में जब हिंदुओं की दुश्मनी सरेआम सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद ने क्या ऐलान किया था? तो सर सैयद अहमद ने उस वक्त क्या ऐलान किया था? उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा कि आपने कहा था मुसलमान और हिंदू अलग कौमे हैं, दोनों अलग अलग कौमे हैं, ये उसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 है नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद कौन सी चीज है? तो उसका फोर्थ वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन लाल ऑप्शन होगा इस्लामी नज़रिया हयात। इस्लामी नज़रिया हयात ही नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद है। इसी तरह सिक्स्थ वाला है 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर देने वाली शख्सियत है, कौन सी शख्सियत है? उसका बी वाला ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया था। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 7, क्यामी पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी, क्या मुसलमानों की सोच थी? उसका थर्ड वाला सी ऑप्शन जो होगा जी वाला, वो ये थी कि वो अपने मजहब और अकायद के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। ये एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर जो है वो करेक्ट मैंने सामने लिख दिए हुए हैं, या आपने बुक के ऊपर खुद मार्क कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन है खाली जगह पर करें, तो खाली जगह में सबसे पहला है नजरिया लोगों की सोच की डैश करता है, ठीक है जी। नजरिया लोगों की डैश की अक्कासी करता है, सॉरी सोच की अक्कासी करता है। सोच आपने लिख लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह, पहले जो फिर खाली जगह है उसमें आप सोच लिख लेंगे। जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये चीजें आप उधर बुक के ऊपर खाली जगह में लिखेंगे। दूसरा है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, टैक्स, ठीक है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। थर्ड है अल्लामा इकबाल दौरे सगीर के उन मुसलमानों में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग डैश का तसव्वुर दिया, तो अलग रियासत यहाँ पे आप लिख लेंगे। आगे है कायद अजम ने डैश के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी, तो आप जो खाली जगह है वहां पर बर्रे सगीर लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ वाला एमसीक्यू है चौधरी राहुल दरी ने डैश में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी, तो आपने जो एमसीक्यू वहां पे खाली जगह है वहां पर आप लंदन लिख लेंगे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कॉलम में मैंने इस कॉलम जो है वो सेम लिखा है, और बे कॉलम में मैंने जो करेक्ट आंसर करते हैं जो आपने जी में जाकर लिखने हैं वो मैंने बे ऑप्शन में करेक्ट आंसर उसके लिख दिए हुए हैं। आपने बिल्कुल इसका सीधे व सही वाला क्वेश्चन जो है वो उठाकर उधर ब्लैंक नंबर जी जो है उसके अंदर आपने लिख देना है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वाला कॉलम लिखा हुआ है 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, यही उसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह दूसरा है 1206 में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी थी। इसी तरह थर्ड है गजनवी दौरे हुकूमत 1003 से 1206 तक मुहित रहा, यानी 1003 से स्टार्ट हुआ था और 1206 तक ये कायम रहा था। इसी तरह फोर्थ वाला है उर्दू हिंदी तनाजा, इसका करंट आगे है बनारस शहर से शुरू हुआ था, ठीक है। फोर्थ वाला है और लास्ट वाला है चौधरी अहमद अली ने जनवरी 1933 में एक किताब का नो और नेवर शायर किया था, ठीक है। ये इसके कॉलम अलिफ हैं और ये कॉलम बे के अंदर मैंने करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, ये आपने इसी तरह उठा के कॉलम जी में
लिख ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने और क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन कहाँ पे है उसके आगे मैंने वो उसका पेज नंबर लिख दिया हुआ है और बता देता हूँ मैं साथ में आपको ये कहाँ पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है पैदल ने यकम जुलाई 1948 को स्टेटमेंट में इख्तिताब करते हुए क्या फरमाया था। ये क्वेश्चन मैंने खुद भी आपको लिखवाया है लेकिन आपको दोबारा देख लेना इसको पेज नंबर 15 पे वहाँ से यहाँ शुरू होगा। दूसरा क्वेश्चन है डोपामाइन नजरिया से क्या मुराद है। तो ये पेज नंबर 10 उसका आखिरी पैरा जो है डोपामाइन नजरिया से मुराद दो परिंदों में है एक हिंदू और मुसलमान। ये आप जो है आखिरी पैरे की पहली दो सत्रें जो है वो मार्क कर लेंगे जो पहली दो लाइनें हैं यहाँ से लेकर डोपामाइन नजरिया से मुराद से लेकर गुल मिल ना सकी तक पेज नंबर 10 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करें। तो ये सफर नंबर 4 पर पेज नंबर 4 पर नजरिया पाकिस्तान से मुराद से लेकर जिद्दोजहद की तक इसकी मैं आपको मशहूर निशानी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 4 पे 3 स्टार बने हुए मिलेंगे 3 पॉइंट स्टार की सूरत में तो आपने वो तीनों जो है वो मार्क कर लेने हैं। इसी तरह है अकीदा रिसालत की तारीफ करें। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 7 की लास्ट पे मिलेगा बिल्कुल और आखिरी जो 4 लाइनें हैं वो अकीदा रिसालत की डेफिनेशन ही है वो आपने सारी जो है वो मार्क कर लेनी है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था। ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है आपको पेज नंबर 12 पे हिंदुस्तान में मुसलमानों की मार्शल होने वाला जो टॉपिक है उसका जो पहला पॉइंट है ना उसको आपने मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन के आंसर में। इस तरह अगला क्वेश्चन है अब या कभी नहीं के नाम से किताब जरा कब और किसने शायद किया था। इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। इसका आंसर है अब या कभी नहीं किताब जरा जो है वो चौधरी अहमद अली ने जनवरी 1933 में लंदन में शायद किया था। ठीक है ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो मश्क में है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी रह गया है आपके लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं आपको क्वेश्चन साथ में लिख कर जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपने क्वेश्चन कहाँ पर मार्क करने हैं कितना कितना मार्क करना है। उम्मीद है इन चीजों की आपको समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले है क्वेश्चन है नजरिया के माखज और अकीदे वाजे हैं। नजरिया के माखज और अहमियत वाजे करें। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बुक स्टार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नजरिए के माखज जो है ये पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है नजरिए के माखज। ठीक है पेज नंबर 2 से सॉरी सफा नंबर 2 से जो है ये आप इसके सारे माखज मार्क कर लेंगे और साथ में अहमियत जो है वो भी आप आगे नजरिया की अहमियत जो है वो भी आप मार्क करेंगे साथ में। इसके दोनों टॉपिक जो है वो आपने मार्क करने हैं। ये पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन और सफा नंबर 4 पर जाकर ये कंप्लीट होगा। ठीक है जहाँ पे जनरल नजरिया की अहमियत वाला टॉपिक जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि यही अनासर किसी भी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हैं वहाँ तक आपका ये पहले वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपका नजरिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें तफसील से वजाहत करें। Gracias.
पाकिस्तान का नाशा वाला क्वेश्चन ये सारी मशक आपने कर लेनी है। इसके बाद हम इंशाल्लाह वो सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे से, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर लेना है। अल्लाह ताला आपका अमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।